मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माने सर प्लीज, हाँ सभापति महोदय, माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आ। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं? ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिप्लिकेशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है, और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे, और इसका मतलब है कि 35A चली और 367 और 370(1)(d) को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस
कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 373 का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है इसको सीज करने का एक प्रस्ताव, अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड फ्रॉम सच डेट एज ही मे स्पेसिफाई। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं, पर बैठ, अरे बैठो तो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए, आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा। बालू साहब, मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि धारा 373 का, धारा 373 का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर्ड टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है, पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है, कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली, अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है, धारा 356 1B इसके हिसाब से
असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है, ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल माननीय मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, वितंडा वाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप दो चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो अल्लाह करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है माननीय, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए, इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में दो यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें एक्साइज चीन भी समाहित होगा और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां एमएलए भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि दो यूटी बनाए जाए और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, जो पार्टियों ने लिस्ट दिए उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से एक एक सेकंड यहां बैठने वाला हूं, पूरा नोट करूंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो। तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है।